गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और संडे आपका बहुत अच्छे से गुजरा होगा। क्यों? क्योंकि कल मंडे है एंड बैक टू वर्क। ऑफिसेज कल से दोबारा खुलेंगे सारे हम लोग काम पे एंड द वर्ड कॉल्ड मंडे ब्लूज। अब जिनके काम अच्छे से चल रहे होते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके कुछ अटका हुआ है, कुछ निकलना है, कुछ होना है, कुछ रिपोर्ट्स जानी है, उनका भैया कल मंडे है यार, कल पहुंचना ऑफिस और सब कुछ देखना है। तो ऑल द बेस्ट यू गाइस, एंजॉय योर ऑफिस टुमारो। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि एक हेक्टिक वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई सोच रहा था कि टीम को कहां पर पार्टी करी जाए, कहां इनको रेस्ट कराया जाए ना। चलो ठीक है, न्यूजीलैंड का टूर बना लो, बारिश होती रहेगी, खेलने वेलना कुछ हमने है नहीं, पार्टी कर लेंगे। तो पहला वाला एक वॉश आउट हो गया है, एक क्या नाम है अपना ऑलमोस्ट उसमें बैटिंग हुई नहीं, एक हम हार गए। तो वो वाली बात इसके अंदर हो गई कि भाई चलो आपकी एक अच्छी पार्टी थी, अपने खूब अच्छा ब्रेक मिल गया, आप लोगों को लाइफ एंजॉय करी, बारिश देखी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के अंदर एंजॉय किया आपने। भैया आप देखो बीसीसीआई तो इनको राजा की तरह रखती है, ये सारे बढ़िया बढ़िया फाइव स्टार होटल्स में रहते हैं, अच्छी ट्रैवलिंग करते हैं, मस्त लोकेशंस देखते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ। तो इसमें कुछ हो नहीं पाया, आप इसमें आज क्या कहें, आज कुछ ज्यादा बोलने के लिए है ही नहीं। अब आप क्या बोलोगे आज बताइए। मैच शुरू होता था बंद हो जाता था, शुरू होता था बंद हो जाता था, मतलब कुछ खेले फिर बंद हो गया, और उससे बैट्समैन की रिदम खराब होती है, बैट्समैन कुछ काम खास कर नहीं पाते, कुछ बोला नहीं जाता, कुछ होता नहीं है। शिखर धवन खेलने आए अपना और टॉस जीता अपना, ये क्या कहते हैं न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड टॉस जीत के बोला कि भैया हम तो फील्डिंग करेंगे, आप आ जाओ बैटिंग करने के लिए। बारिश वारिश होती नहीं रहता, भैया हमारी बॉल बॉल सीम करेगी, थोड़ा सा स्विंग विंग भी कर जाएगी। तो उन्होंने जब पहुंचे तो शिखर धवन फटाक से आउट हो गए। शिखर धवन आज फिर इस सीरीज के अंदर शिखर धवन कुछ अपने उसमें होते हैं, एक लय होती है ना, बंदा टच में होता है, वो टच नहीं दिख रहा शिखर धवन का, शिखर धवन कुछ आउट ऑफ टच ही दिख रहे हैं, मतलब ऑफ। हाँ, शुभमन गिल इज इन टच, शुभमन गिल तो आज इस बार जो बैटिंग जो दिख रही है, लड़का दिन पर दिन निखरता जा रहा है, ये लड़का ये लगने लग गया अब, क्योंकि ये अगर न्यूजीलैंड जैसी जगहों पे जहां वो बॉल एक अच्छे लेवल पे आती है, और जो पुल शॉट मारा था छक्के के लिए, वो बहुत प्यारी पुल शॉट थी, उस पुल शॉट जो छक्के पे मारी थी, अगर वो बंदा ये शॉट लगातार खेल पा रहा है तो इसकी क्या कहते हैं आईपीएल की बुराइयां लाखों हैं, दुनिया बुराई कर रही लाखों, बट लड़के वहां से निखर के आ रहे हैं। हमें अपना एक बॉलिंग को थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, बॉलिंग अभी भी हमारे पास कि बॉलिंग वो नहीं है कि अपना बॉल पकड़ के चले, जैम्पा जैसी बॉलिंग हो गई, या अपना जो इंग्लैंड वाला बॉलर है वो उसके जैसी हो गई, स्पिनर्स जो बॉल को रोक लेते हैं, मैच को थाम से देते हैं, वो वाले स्पिनर नहीं दिख रहे, युजवेंद्र चहल एक टाइम पे करते थे, अब पता नहीं चला से क्या हो गया, या तो लोगों ने उसको क्रैक कर दिया उनके कोड को, तो वो श्रीलंका का स्पिनर है उसको, या ये दो तीन जो चार लोग है ना अपने अफगानिस्तान वाला लड़का जो है, वो ये चार पांच लोग जो स्पिनर्स हैं, ये अपना मैच को एक जगह पे ला के रोक देते, हमारे पास वो चीज नहीं हो रही। हमारे स्पिनर्स को रहता है उन्होंने इनके कोड क्रैक कर लिए, इनके फिंगर पकड़ने लग गए, सीन देख लेते कहाँ पड़ के बॉल कहाँ आने वाली, तो वो लोग पहले से तैयार होकर इनको मारने के लिए तैयार रहते हैं, मुझे तो वो चीज नहीं देखने को मिल रही है। और वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक हमें अलग लेवल पे लेके चली जाती है, क्योंकि ये जब रोक नहीं पाते, ये पिटते हैं तो फिर वो सारे ही पिटते हैं, तो फिर बैट्समैन डर खुलता जाता है। जब कुछ बैट्समैन फुल फ्लो में रन बना चुके होते हैं तो उसके बाद आने वाले और खुल के मारते हैं, हमारे बैट्समैन शुरुआत के पावर प्ले से जब रन नहीं बनाते तो बाकी लोगों के प्रेशर डालते हैं, फिर वो लोग खुल के नहीं खेल पाते और उसकी वजह से वो धीरे धीरे स्कोर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इनके जब एक लेवल के खुल के मारते हैं, जैसे आज सूर्य कुमार यादव ने जो 25 बॉलों में 34, ये जो इनिंग होती है इसने 3 छक्के 2 चौके मारे, ये जो इनिंग होती है ये आने वालों का डर खोल देती है कि यार एक एवरेज अगर 8 की एवरेज से लेके आ गया है, अगर हमने कुछ बॉल पढ़ने के लिए भी चाहिए तो 6 तक आ जाएंगे। अब तुम 6 पे ऑलरेडी हो तो भैया अगले बंदे फिर उसको 4 पे ले गए जाते हैं, समस्या वहां शुरू होती है। तो एक फ्लो बीच में एक तो ब्लास्टिंग रैल होनी चाहिए, जैसे एक तो अपना ये हो गया सूर्य कुमार यादव का, भगवान करे शुभमन गिल भी अभी 42 बॉलों में 45 रन थे जिसमें 1 छक्का और 4 चौके थे, तो वो अभी भी थोड़ा सा हल्का डर के बात हो रही है। तो वो अगर ये शुभमन गिल ये एक और
ये तीन अगर ऐसे बैट्समैन हो कि जिनमें से दो चने, एक चने दो चने ना, तो डर चूरे चौतरफा डर फैलता है कि यार अब पिटाई होने वाली, उसकी वजह से फिर बॉलर भी खुल के बात करते हैं। तो यह अब इस आज की वीडियो में कुछ खास बोल नहीं सकते, तो आज की वीडियो में एक नई चीज कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आप जवाब मुझे कमेंट्स में डालना, तो फिर मैं बताऊंगा किसका नहीं था। हाँ प्लीज गूगल मत करना यार, गूगल करके तो आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं, ईमानदारी से खुद सोच के बताओ। वैसे थोड़ा टफ है पर फिर भी ट्राई करते हैं। विच बैटर हैड द लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन द पावर प्लेज इन इन द 2020 जो T20 जो 2022 में खेले गए हैं, उसमें पावर प्ले में किस बैट्समैन की लोएस्ट स्ट्राइक रेट है, जो उसकी स्ट्राइक रेट है वो सबसे नीचे लेवल पे है, वो कौन है? ये क्वेश्चन हम आपका, मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट्स में, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप मुझे जवाब दीजिए, मजा आएगा, है ना। हाँ अब से बीच बीच करा करेंगे, एकाध क्वेश्चन डाला करेंगे, जिससे थोड़ा सा एंगेजमेंट हमारी आपस की और बढ़ेगी। चलो यार कुछ ना बोल के भी 6 मिनट बोल दिया, ये भी अच्छी एक कला है, ठीक है। ऑलराइट, तो प्लीज इस पे आप कमेंट कीजिए, बताइए वाली चीज कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय योर नाइट, अच्छे से सोइए, फ्रेश उठ के सुबह अपने काम में। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।